या ऐसा कोई कैसे कर सकता है? ए, बहुत हो गया, वो मेरा प्रॉब्लम है, वो मुझ पे छोड़ दे। पीने के लिए बहाना मत ढूंढ, ड्रिंक तैयार है, चल पी। चीयर्स। एक मिनट, पीने के बाद तू कोई हंगामा तो नहीं करेगा? ए, तू मुझे पिलाएगा और बाद में मेरी इज्जत भी उतारेगा क्या? तुम लोग दारू पीते और बाद में टून होकर सड़क पे पड़े रहते हो। ए, शायद तुझे पता नहीं, हम पीने के बाद खुश हो जाते हैं, चांद तारों के बीच में पहुंच जाते हैं यार। और फिर दारू के नशे में बकवास करते फिरते रहते हो। ए, वो बकवास नहीं होती है, ये तो वो बातें होती है जो दिल में वास करती है और दारू के नशे में बाहर आती है। तुम कुछ भी कहो, पिया कर लोग मुसीबत खड़ी करते हैं। तुम लोग चुप रहो, मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैंने कुछ गलत कह दिया? सरासर गलत कहा है तुमने, समझे? पियक्कड़ों के बारे में तुम क्या जानो? कोई मर जाए तो लोगों को पीकर नाचना चाहिए, तभी वो मरे हुए को इज्जत दे सकता है। शादी के हॉल में पी के ढिशुम ढिशुम करना चाहिए, तभी शादी में मजा आता है। और पता है थिएटर में सीटियां कौन बजाता है? पियक्कड़ लोग। और याद रखना, जिस जगह पर पियक्कड़ नहीं और पानी के घड़े में होल नहीं, वहां यार तू तो बिना पिए ही बोले जा रहा है। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मेरी फैमिली को बदनाम करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पियक्कड़ों की शान में कुछ मत कहना। तुम कौन होते हो इसके बारे में बुरा बोलने वाले? कभी इसका सेवन करके दिखाए, पी के देखो, इसे पीने पर परमानंद की प्राप्ति होगी।